और मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं, आज सीबीआई के सामने पेशी है मनीष सिसोदिया। एक बार फिर से सीबीआई ने समन जारी किया है, मनीष सिसोदिया को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है। अब से 2 घंटे बाद मनीष सिसोदिया एक बार फिर से सवालों का सामना करेंगे। राजघाट के लिए अभी रवाना हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे, पहले मनीष सिसोदिया और उसके बाद सीबीआई के सामने आज पेशी है, सीबीआई दफ्तर में पेशी है। एक बार फिर से सीबीआई पूछताछ करेगी शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जो संलिप्तता है उसको लेकर जो आरोप हैं। सीबीआई इस पूरे मामले को खंगाल रही है, इस मामले में कई और जगह छापेमारी हुई है। मनीष सिसोदिया एक बड़ा नाम, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल रहे हैं, फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार करने की तैयारी थी। ये मनीष सिसोदिया का कहना है, मुझे गुजरात जाने से रोकना इनका एकमात्र मकसद है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो तस्वीरें आपके सामने, आज सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया को पेश होना। आपको याद होगा अगस्त के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 14 घंटे तक सीबीआई ने छापेमारी की थी मनीष सिसोदिया के घर पर, लगातार वहां पर टीम मौजूद थी। और रात को करीब 11 से 12 बजे के बीच टीम कुछ दस्तावेज और कुछ गैजेट्स लेकर वहां से रवाना हुई थी। और मनीष सिसोदिया, तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही। तस्वीरों में आपको मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे, ना केवल मनीष बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और सांसद आपको नजर आ रहे हैं। सर, आज आप जा रहे हैं, सीबीआई पूछताछ आपसे करेगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया? इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है, इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला, मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गाँव में जा के पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है, ये पूरा केस मेरे खिलाफ़ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है, इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। गुजरात में मैं पिछले दिनों जब जब गया हूँ, मैंने वहाँ के स्कूलों की हालत ख़राब देखी है, मैंने वहाँ अस्पतालों की हालत ख़राब देखी है, मैंने नौजवानों को नौकरी के लिए बिलखते हुए देखा है, मैंने वहाँ लोगों की बहुत बुरी हालत देखी है गुजरात में। और आज गुजरात में लोगों को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से। आज लोगों को हमने जाके कहा है गुजरात में कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, आपके भी स्कूल दिल्ली के स्कूलों की तरह अच्छे होंगे, आपके भी अस्पताल दिल्ली के अस्पतालों की तरह अच्छे होंगे, आपके यहाँ भी बिजली के बिल ज़ीरो आएंगे, आपके यहाँ भी ईमानदारी से नौकरियाँ लगेंगी और लगेंगी। तो ये आज हमने गुजरात में कहा है और गुजरात के लोगों को इस पर भरोसा है, इसीलिए बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और ये मुझे जेल में डाल के रखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ ना कुछ निकला, ना कुछ निकलेगा, और अब मुझे जेल में भी डाल देंगे तब भी आज गुजरात का बच्चा बच्चा चुनाव लड़ रहा है, आज गुजरात का आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। इस बार गुजरात का चुनाव गुजरात के लोग एक आंदोलन की तरह, शिक्षा के आंदोलन, स्वास्थ्य के आंदोलन, बिजली के आंदोलन की तरह लड़ रहे हैं। मुझे जेल में डालने से ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार को बचा नहीं पाएंगे। जैसे आप चुनाव में जाते हैं आज भी उसी तरीके से लग रहा था कि आपको विदा कर रहे हैं परिवार वाले, क्योंकि और भगत सिंह कहा आपको, खुद मुख्यमंत्री ने भगत सिंह कहा। ये मेरे परिवार का प्यार है, मेरे परिवार का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति से काम करता हूँ। और भगत सिंह जी के रास्ते पे चलते हुए हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, ईमानदारी से काम किया है। ये गुजरात को नहीं बचा पाएंगे, गुजरात में भी अब यही काम है। सर, आपको लगता है कि आज गिरफ्तारी भी कर सकते हैं लोग? आप इनकी पूरी तैयारी है। शालिनी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गई है। शालिनी, बड़ी बात कह दी मनीष सिसोदिया ने, पहले राजघाट जाएंगे, उसके बाद सीबीआई दफ्तर में फिर पूछताछ होगी, दूसरे दौर की पूछताछ होगी, लेकिन शालिनी कह रहे हैं आज मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मनीष सिसोदिया का। हाँ,
ये बात मनीष सिसोदिया लगातार बोल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स बोल रहे हैं। और अभी देखिए मनीष सिसोदिया अपने घर से जस्ट यहाँ से निकल भी गए और यहाँ से राजघाट जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि आज सुबह जब संजय सिंह आए थे तो उन्होंने भी यही बात की थी। हमने टीवी 9 भारतवर्ष की तरफ से उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर लगातार आप लोग ये बात क्यों कह रहे हैं, गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा क्यों लगता है आपको। उन्होंने कहा कि आखिर ये सिक्योरिटी जो आपको दिख रही है चारों तरफ, वो सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है, कोई तो कारण है, गिरफ्तारी करनी है इनको इसी वजह से, इन्होंने पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए हैं, ये जानबूझ कर ये सब कुछ कर रहे। सिसोदिया ने एक ट्वीट ये भी किया है कि फर्जी केस बनाने की तैयारी है। ऐसी बात लगातार आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी कर रहे हैं और खुद मनीष सिसोदिया भी कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें शालिनी हम तक पहुंचा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल चुके हैं, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण तस्वीर जिस जगह से आनी है वहां मौजूद है हमारे दूसरे सहयोगी जितेंद्र भाटी, क्योंकि राजघाट पहुंचने वाले मनीष सिसोदिया। जितेंद्र, वहां पर किस तरीके की स्थिति है अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उनके घर पे सिक्योरिटी थी इस तरीके से यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनका कोई पहले से निश्चित नहीं था यहाँ आने का कार्यक्रम, लेकिन कुछ ही पलों में मनीष सिसोदिया जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि आबकारी नीति में जब सीबीआई उनसे पूछताछ करने वाली है, 11 बजे उन्हें पेश होना है, उससे पहले लगातार जब समन आया था तभी से आम आदमी पार्टी का शीर्ष से लेकर नीचे तक का हर नेता जो है बार बार यही कह रहा था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। गिरफ्तारी क्यों हो रही है, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए नहीं हो रही है, गिरफ्तारी इसलिए हो रही है क्योंकि गुजरात का चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी का वहाँ कद बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को लेकर लगातार कहा जा रहा है। अगर आज की बात करें तो मनीष सिसोदिया ने भी लगातार 3 ट्वीट किए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने वही बात कही, सब उसका अगर मजमून निकाले, सार निकाले तो वो ये निकल के आता है, वो ये कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर क्योंकि उनके कार्यक्रम थे, उन्हें जाना था, तो ऐसे में उनको रोकने के लिए ये गिरफ्तारी होगी। हालांकि सीबीआई की तरफ से सिर्फ पूछताछ के लिए उन्हें समन किया गया है, और पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी नहीं कह सकते, लेकिन आम पार्टी के तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं। अब भी जब मीडिया के सामने आए तो यही बात कह रहे थे कि मुझे गुजरात में जाने से रोकना चाह रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगाए। बहरहाल जो आरोप मनीष सिसोदिया पर है वो भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।